आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चलेगी। तो गाइज देखो, एसबीआई क्लर्क के एग्जाम की डेट से रिलेटेड आपकी क्वेरी आ रही है बार बार। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 15 जनवरी मान के चल रहे हैं आपकी एसबीआई की क्लर्क की मेंस की डेट। तो गाइज देखो, मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी डेट मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में। आप अपनी उसमें देखो एक चीज लिखी है, मंथ दिसंबर और जनवरी। तो आपको ये चीज दिमाग में रख के चलनी है कि मेरा एग्जाम पॉसिबिलिटी यही है कि आप दिमाग में ये लेके चलना कि मेरा एग्जाम दिसंबर मंथ में, ठीक है? क्योंकि देखो आपको पता है 17 से 20 या 21 तक आपका एसबीआई पीओ का होगा, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि क्या पता इसी महीने मेरा एसबीआई क्लर्क का मेंस हो जाए। आप ये मत सोचो कि मेरा 15 जनवरी को लेके एग्जाम है, तो आप अपनी फोकस क्या करो एसबीआई पीओ पे। देखो दोनों एग्जाम को इक्वल लेके चलना है, आपको ये नहीं करना कि एसबीआई क्लर्क की बिल्कुल तैयारी नहीं करनी है गाइस। क्योंकि आपको पता है जो जीए का लेवल आ रहा है आजकल, वो मॉडरेट से टफ ही आ रहा है, इजी नहीं आ रहा है। तो आप मान के चलो अपनी तैयारी को डिसकंटिन्यू मत करो, कंटिन्यू लेके चलो गाइस। आप ये मत सोचो कि मेरा दिसंबर में नहीं होके 15 जनवरी को मेरा एग्जाम होगा, नहीं गाइस, ऐसी कोई डेट नहीं आ रखी है गाइस। मंथ दे रखा है ओनली दिसंबर और जनवरी। आप पॉसिबिलिटी ये मान के चलो कि मेरा एग्जाम दिसंबर में ही मंथ में है, मैं अपनी तैयारी को एकदम परफेक्ट लेके चलूंगा गाइस। क्योंकि ये आपको पता है इस साल के यही एग्जाम से, उसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर है, क्या पता नोटिफिकेशन आए ना आए। अगर क्लर्क का नोटिफिकेशन आए तो क्या पता सीईटी उसके अंदर हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए गाइस, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना गाइस, ठीक है? तो चलिए मैं नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।